मेरा ताल्लुक ये है कि मेरा नाम नौफल शाहरुख है, ताल्लुक मेरा कराची से ही है, और सिंध में भी जो है वो मैं आपके इलाके में भी आता रहा हूँ, और लियारी में भी काफी दोस्त हैं। मेरे वालिद डॉन में थे तो वहां भी उनके साथ लतीफ बलोच साहब थे, आप शायद जानती होंगी। उनकी बहन है जरीना बलोच, जो के एम सी में डायरेक्टर थी, इंफॉर्मेशन की रिटायर हुई है आप ही की कम्युनिटी से। बहुत अच्छा लगा सुन के कि कम से कम कोई ऐसा है जो हमारी कम्युनिटी के बारे में जानता भी है और बात भी करता है। जी। अच्छा, मेरी जो यानी इस वक्त आपको रहमत देने का जो थी मेन वजह, वो कि मेरी अपनी जो पीएचडी चल रही है वो है इंडियन ओशन हिस्ट्री पे, और जो खास तौर पे पोर्चुगीज और कुमानी दौर है, और उस वक्त जो है वो सिंध और बलूचिस्तान की जो साहेली पट्टी में आबादियां हैं जिनका रोजगार जो है वो समंदर से वाबस्ता है, और उनके यानी जैसे बलोच हैं उनका ओमान के साथ, ईरान के साथ और पूरी पर्शियन गल्फ में काफी फैलाव है, बहुत लोग हैं। इसी तरह जो अफ्रीका से लोग आए यहाँ पे, चाहे वो रोजगार के लिए आए या जो वहां उस जमाने में स्लेव ट्रेड होती थी उसकी वजह से यहाँ पर आए, तो उनका भी जो है वो यानी इसका एक, इसको हम कहते हैं ओशन एज अ मेथड, तो साहिल की आपस में जो साहिलों की जो कनेक्टिविटी है वो पिछले जो यानी मेनलैंड है जो यानी गवादर लसबेला के लोग हैं उनका कलात के साथ या कोयटा के साथ इतना ताल्लुक नहीं है जितना ओमान के साथ है या कराची के साथ है। तो वो यानी साहिलों के ऊपर जो बस्तियां हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं यानी खलीज फारस के अंदर भी और अफ्रीका में, और आपका जिक्र जारे हुआ बार में हमने पढ़ा, आपकी एक बहन भी गालिबन तंजानिया में है, आप लोगों ने दोबारा अपने रूट्स को एक्सप्लोर किया और माशाल्लाह आप जो है वो आना जाना भी है, कारोबार भी है, तो इस पे मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री क्या है, और ये जो हमारी गुफ्तगू होगी ये खालिसतन एक यानी रिसर्च पर्पस के लिए है, और इंशाल्लाह जो भी यानी अफ्रीका पे हम काम कर रहे हैं या जो हमारे बलूचिस्तान और सिंध में जो वो कम्युनिटीज हैं जिनका अभी भी ताल्लुक है अफ्रीका से उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह उन लोगों में जो पाकिस्तान में कोई किरदार अदा कर सकते हैं अफ्रीका के साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में। जैसे आपने इतना रिसर्च किया हुआ है कि आपके इस थोड़े से टाइम में मुझे बहुत कुछ जानने को मिल गया, और मुझे लगा कि आप ऑलरेडी मेरे उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा हमेशा से ये क्लेम रहा है कि हम लोग जो शीदी कम्युनिटीज यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, वो जरूरी नहीं है कि सब लोग जैसे आपने बताया कि एज अ स्लेव आए हों, जी लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी रेस्पेक्टिव स्पेस से या इस तरीके से आए हों कारोबार करने या फॉर द बिजनेस, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, क्योंकि बलूचिस्तान में अभी तक उनको रजिस्टर में भी गुलाम लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे वो ही उनको बोल जाता है। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो लोग जो कारोबार करने के लिए आए थे उनकी अब चौथी पांचवी नस्ल को गुलाम लिखा जा रहा है। इट्स मीन के उनका माजी अभी तक उनके साथ घसीटता हुआ आ रहा है। देन हम जब यहाँ की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही बुक है, माइट भी आप पढ़ चुके हो, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर की जी आजादी ए गुलामी का खतरनाक नजारा। ठीक है ना, ये हमारे पास वाहिद एक ब्लैक एंड व्हाइट मटीरियल है जो के उस इंसान ने अपने बेटे को बताई जो पूरा ये सफर तय करता हुआ है। सेकंड हमारे पास बात ये थी कि हमारी जो बूढ़ी औरतें जो थी वो छोटे मोटे स्वाहिली के वर्ड बोला करती थी। फिश को वो कहती थी, हमें पहले नहीं पता था लेकिन जब मेरी सिस्टर की शादी हो गई तंजानिया में और वो जब बताती थी और वहां जाने के बाद उनको पता चला कि वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी बूढ़ियों से वो सुनती रही थी और वहां कॉमनली यूज होती रही हैं। थर्ड के हमारे यहाँ जब भी मुगरमान बजता, जिसे मोगो भी कहा जाता है, वन साइडेड जो ड्रम है वो जब भी बजता तो लोग इसको सुन के उनका कभी भी खुश होने से ज्यादा वो दुखी होते, रोते। और उसकी अगर आप मतलब सुने उसकी जो वर्डिंग है,
तो वो यही उसमें होती है कि बताओ शीदी तुम कहाँ से आए हो, तुम किस जगह से आए हो, तुम कहाँ के हो। फिर वो उसी के जो वर्डिंग है कि मैं शायद सऊदी अरब से आया हूँ, मैं मक्के से आया हूँ, क्योंकि उस टाइम कोई भी ऐसी नहीं थी डिवाइस जो के लोकेशन आइडेंटिफाई की जाती या उसे पता होगा, गूगल वगैरह मौजूद नहीं रहा था। तो मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि अपने ओरिजिन से बिल्कुल बिछड़ चुका हो और उसे ये याद ना हो कि वो कहाँ से, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि वो जहाँ पे बैठा है वो वहां का नहीं है। और ये बात नस्ल दर नस्ल कंटिन्यू रही। खुद को इज्जत दिलाने की कोशिश में हमने खुद को कमरानी कहलवाना शुरू कर दिया कि ठीक है हमें रिस्पेक्ट, अगर बीइंग अ मुस्लिम हम यहाँ जो पाकिस्तान में या सिंध में जो लोग आए जो लाड़ में बदीन और टट्टा वगैरह की तरफ हैं, उनको मुस्लिम होने की वजह से कि अगर आगे आप जाएंगे के बॉर्डर से यहीं, तो वो सिद्धी जो है वो मुसलमान नहीं है। हम यहाँ जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड हुए वो मुसलमान थे, तो फिर हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने खुद को देखा कि अच्छा अगर हम हजरत कंबर से कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ी इज्जत हम बटोरने की कोशिश की हमने, क्योंकि जो इंडो पाक का जो सिस्टम है ये काफी हद तक रिलीजियस है। यहाँ अगर हम सैयद फैमिली को रिस्पेक्ट देते हैं तो इसलिए कि हमें पता है कि वो सादात से जाके मिलते हैं, तो इसलिए हमने खुद को इज्जत दिलवाने के लिए कमरानी कहना शुरू कर दिया। अदरवाइज कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि हम हजरत तो कमरा हजरत कंबर की औलाद है। ठीक है, हम में से बहुत से लोगों ने खुद को बिलाल ही कहना शुरू करवा दिया, हालांकि ऐसी कोई अथेंटिक सबूत नहीं कि हम हजरत बिलाल की औलाद या उनकी रिश्तेदार में से हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने जमीन भी खो दी है, हमने इज्जत भी खो दी है, तो जमीन के नाम पे तो हम जहाँ पहुंच गए हमने इसी को अपना घर मान लिया, लेकिन इज्जत के लिए फिर हम यहाँ वहां मुंह मारने लगे कि ठीक है कोई अच्छा सा टैग जोड़ दें अपने साथ। लेकिन बीइंग शीदी कम्युनिटी हमारे साथ एक मतलब ट्रेजेडी है, या ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब अगर सिंध में आप, क्योंकि कराची से आप जानते होंगे यहाँ एक कल्चर है पूरे इंडो पाक में भी, ये है कि लोग अपनी कास्ट को इम्प्रूव करते हैं टाइम से अपने मतलब एजुकेशन उसमें वैरायटी पैदा करते रहते हैं। तो लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब हम चाहे कुछ भी करें हमारी फिजिकल अपीयरेंस हमें सपोर्ट नहीं करती कि तंजीला, अगर आज जब तंजीला मातली में थी तो तंजीला शीदी थी या तंजीला कमरानी कहलवाती थी, लेकिन अब तंजीला जब स्पेशल असिस्टेंट बन गई है तो खुद को खासकेली कह दे या शेख ही कह दे नहीं कह सकती, क्योंकि उसको उसके फीचर्स ये अलाउ नहीं करते कि वो अब या अब उसकी आगे वाली नस्लें उसको चेंज कर सकें। इवन के हम समझते हैं आपके ये अच्छा है कि कम से कम हम अपनी पहचान को कंटिन्यू रख के बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए बीइंग अ शीदी पर्सन बहुत मुश्किल रहा था यहाँ पे एडजस्ट करना, क्योंकि ये जिस एरिया में हम सब लोग रहते हैं पाकिस्तान की आप मेंटलिटी जानते हैं, यहाँ कलर को बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो वो यकीनन उस चीज को लेके शीदी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है। अभी अगर मैं चौथी पांचवी नस्ल के बावजूद भी मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर जैसे बताता है कि हम जिस तरह से आए थे, ठीक है अब हमें शायद वो अकड़ू बिठाकर सीख में लगाया नहीं जाता, लेकिन मतलब हर्ट हमें हम अभी तक भी होते हैं और हमें हर्ट किया जाता है, और हमारे लिए सबसे ज्यादा हॉरिबल जो है वो साइलेंट मैसेजेस होते हैं हमारे। हम क्योंकि दिखने में जाहिर हैं जैसे मैं बता चुकी हूँ, तो हमें जो साइलेंट मैसेजेस नफरत के पास होते हैं, अगर हम में से कोई इंसान चला जाए किसी शॉप में चला जाए, मैं अगर अकेली चली जाऊँ, मेरे साथ मेरा स्टाफ नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, मैं जस्ट किसी शॉप जनरल मिडिल क्लास किसी मार्केट में चली जाऊँ, तो औरतें अपने बच्चों को मुझसे सेव करने की कोशिश करेंगी, मुझे अपने बच्चों को दूर करने की करेंगी, अपने जो उनके पास जो उनकी वेलबींग होंगी, उनके कोई ज्वेलरी है पर्स है वो चाहेंगी कि उसे वो सेव करने की कोशिश करेंगी। बच्चे जो उनकी सेकंड जनरेशन है वो जब ये देखते हैं, हालांकि मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के किसी भी ब्लैक ने कोई बड़ा ऐसा क्राइम किया हो जिसे आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप एक साइलेंट मैसेज अपनी जनरेशन को पास करते हैं कि ये जो भी देखने वाले लोग हैं ये बहुत खतरनाक लोग हैं और इनसे दूर हो जाए। ये मतलब आपको जब ये तक सुनने को मिले कि बेटा चुप हो जाओ वरना शीदी आ जाएगा, तो इस तरह के जो सेंटेंस पास हो तो आप सोच लें कि आपको किस जगह पे रखा जा रहा है और आपके लिए किस तरह के मैसेजेस पास हो रहे हैं।
मतलब मैं समझती हूँ कि जरूरत हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमारे लिए बिहेवियर चेंज हो जी। ये आपके वैसे इसमें क्या राय है कि जो हालिया वाकयात हुए हैं, खासतौर पर लियारी के हवाले से जो शोहरत रही पिछले 10-15 सालों में, तो उसकी वजह से ये हुआ है? क्योंकि पहले तो मैं देखता था कि हमारी रहाइश वहां है सोसाइटी में, हिल पार्क का नाम सुना होगा आपने कराची में, तो वहाँ काफी लोग जो है क्योंकि ये रहते हैं, मेमन है, दिल्ली वाले हैं, और उनका ये जोड़िया बाजार जो मेन शहर में जितना कारोबार है, उनके पास सारे मुलाजमीन जो है वो तकरीबन यानी लियारी से आते थे, और वो यानी बड़े बड़े गोदाम उन्होंने उनके हवाले किए हुए थे, सारा जो है वो हिसाब किताब भी उनके हाथ में होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिनोमिना जो है जो लियारी के हालात हुए, क्योंकि वहाँ जो उनके मुलाजिम थे वो यानी उनके लिए ज्यादा लुक्रेटिव काम जो है वो हमारे अब्दुल रहमान साहब ने और दूसरे दोस्तों ने जो है वहाँ, तो वो उनकी एम्प्लॉयमेंट वहां से कम हुई और वहां ज्यादा हो गई, और उस वजह से शायद, क्योंकि पहले तो ये वाला नहीं, मैं जिस एरिया से हूँ, मैं जिस एरिया से टटा सजावल बदीन से हूँ, हम लोग मतलब नहीं समझते कि कराची के बलोच और हम एक एक ही चीज है। अच्छा। हम मतलब लैंग्वेज अलग है, वो बलोची बोलते हैं, हम सिंधी बोलते हैं, तो इसलिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हम ये कराची में जो लोग लियारी वगैरह में जो लोग रहते हैं, ये ज्यादा मतलब इनको ज्यादा हम समझते हैं कि फैसिलिटीज मिली हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर सिंध, क्योंकि वहाँ वडेरा शाही रही, पीर साई शाह साई वाला सिस्टम भी रहा साथ साथ, और टालपुर हजरात का भी रहा, इन्फ्लुएंस रहा, तो हम लोग तो उन्हीं के नौकरों की लिस्ट में रहे। तो हम यहाँ ये बलोची जो हमारे यहाँ यहाँ मतलब कराची में मौजूद है, उनके पास ये नहीं था। एटलीस्ट वो जब पैदा हुए या जैसे उनकी काफी नस्ल पहले उन्होंने खुद से सरवाइव करना शुरू कर दिया, लेकिन हम तो उन्हीं के अंडर में रहे थे। हमारे पास हमें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मतलब किया जाता, हमारे फीचर्स की वजह से, क्योंकि उनका ये समझना था कि क्योंकि वहाँ डोमिनेशन, जैसे मैंने बताया कि सादात या टालपुर हजरात, ये इनकी फैमिलीज की जो फीचर्स थे अभी तक भी वो मतलब एक अच्छे फ्यूचर्स में आते हैं, ब्यूटीफुल, जैसे हम एशियन कहें तो उसमें आते हैं, काउंट होते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही अलग बात थी, और उनके उन्होंने ये सजा सिर्फ हमारे फीचर्स के बिना पे हमें दी हुई थी। अच्छा। कि हम आपकी जो अपने में हमारे हम अलग लगते हैं उनसे, इसलिए आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री में आप यानी जो बुजुर्गों से बातें सुनी होंगी होगा, तो किस जनरेशन में यहाँ पे मुंतकिल हुए और किस इलाके से आए तंजानिया में, और उसके बाद जो है यानी सिंध के अंदर इंटीरियर सिंध आना माथली तक कराची से, क्योंकि ज्यादातर जो शीदी कम्युनिटी है, जैसे कराची में 2-2.5 लाख कहा जाता है कि लियारी की वजह से, और फिर ये मलीर के कुछ भी गोट हैं, इसी तरह जो है वो ये मंगोपीर की तरफ आप चले जाएं वहां आपको मिलेंगे, और जो नसबेला का इलाका है, गवादर है, तो वहां तो पॉकेट्स हैं साहिली इलाकों में। और एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊंगा, आपको बाद में काम आएगी, मेरी रिसर्च में जो है ना एक नया इंकशाफ हुआ है, कराची का नाम कुछ जो है ना वो क्यों पड़ा, तो उसमें भी जो है ना वो एक आपकी कम्युनिटी के साथ एक उसका लिंक है। लेकिन ये कि आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री में आपको क्या बातें बुजुर्गों से सुनने को मिली हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। एक नूनबीन दानिश साहब थे, मतलब जी हाँ, मेरे जो वालिद साहब थे वो एडवोकेट भी थे और पर्शियन राइटर भी रहे थे, सिंधी राइटर भी थे, बहुत ज्यादा सोशल पर्सन रहे थे। अब्दुल बारी अपने डिस्ट्रिक्ट के, हालांकि उनकी डेथ को 30+ ईयर हो चुके हैं, लेकिन हर कोई उनको जानता है, उनकी कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में और डिस्ट्रिक्ट में सोशल वर्क में, तो इसलिए उनको बहुत पहचाना जाता है। तो हमारी जो हम देखते हैं, हमारी फोर्थ जनरेशन के बाद का हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा। नहीं है कि उससे पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ, मतलब बस उसके बाद जाके हम रुक जाते हैं। बाबा, चूंकि मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल इंसान थे, उन्होंने इसको इस बात को उन्होंने किया कि कैसे ऐसे हो सकता है कि एक जनरेशन एक जगह पे आके बिल्कुल रुक जाए ना, एक उसके बाद उसका कोई, उसको पता नहीं है कि उससे पहले क्या था।
वो ऑलरेडी स्टूडेंट भी रह चुके थे मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर के, देन उन्होंने फिर जो उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने जो देखा और उससे फिर उनको जो स्टडीज उन्होंने की उससे उनको ये आइडिया हुआ कि हमारी जो बड़े बूढ़े हैं वो भी कनेक्ट होते हैं तंजानिया से. आफ्टर दैट उन्होंने एक तंजानिया का डेलीगेशन, बच्चे यहाँ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में कराची यूनिवर्सिटी में, उनसे उनको पता चला कि तंजानिया के कुछ स्टूडेंट हैं, अफ्रीकन स्टूडेंट हैं, फिर उनसे उन्होंने ये बात वगैरह की जिससे उन्हें पता चला कि ये महमूद नाम का एक बंदा है वहां से है. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग उनकी हुई, हमारी सिस्टर की शादी हुई. बाबा उनका ये था अब वो जाने का सोच रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और वो तंजानिया नहीं जा सके. वो चाह रहे, उनका ये था कि मैं वहां जाके देखूंगा और मैं प्रैक्टिकली इन चीजों को कनेक्ट करना चाहूंगा कि किस तरह से, मतलब हम लोग वहां से आए, क्यों आए, किस तरह से आए, क्योंकि 30 years बैक कोई पाकिस्तान में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके थ्रू मतलब यहाँ बैठे हुए कुछ पता चल सकता. ये सिर्फ इस आजादी और गुलामी के इबरतनाक नजारा बुक में से जितना कुछ उनको मिला उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मेरी सिस्टर की जब शादी हो गई और वो तंजानिया शिफ्ट हो गई तो हमें मतलब बाबा की बताई हुई बातें और उनके जितना उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, हमें उनकी रिसर्च नहीं मिल सकी काफी ढूंढने के बावजूद भी, क्योंकि उनके एक्सीडेंटली उनके कुछ एक 5-7 दिनों में वो बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई थी. तो हमें मतलब जो कुछ वो काम कर रहे थे वो हमें रिटन मटेरियल नहीं मिल सका. उनकी वो कम्प्लीटली उनकी रेजिडेंसी बदीन में थी, हम मातली में थे और मतलब उस टाइम में हमारे इतनी फ्रीक्वेंटली उनके सडनली बीमार होने की वजह से हम वो चीजें कलेक्ट नहीं कर सके, जो हमें अभी तक उसका बहुत ज्यादा अफसोस है कि काश हम वो जो कुछ मतलब रिसर्च करते थे वो हमें हमारे पास मौजूद होती. हमारे घर में दी रूट्स मूवी बाबा बार बार चलाते और हमें, हम सब बहुत छोटे होने के बावजूद उनको समझाते बताते कि ये सब क्या हो रहा है. हमें मुझे आज भी याद है, मैं उस टाइम शायद क्लास 3-4 में पढ़ती थी, बाबा बताते थे कि ये क्या हो रहा है, उसकी ट्रांसलेशन करके बताते थे. घर में हमारी नानी को बिठाते, हमारी फूफू को बिठाते, फिर उनको सबको बताते कि अब ये होने जा रहा है, इस तरह से होने जा रहा है. और फिर मतलब हमारे घर का माहौल बाबा की और अम्मा की तरबियत की वजह से थोड़ा ओपन माइंडेड भी था. तो मेरी सिस्टर की पहली मतलब इस फैमिली से शादी होकर जा रही थी, वो बाहर पाकिस्तान से बाहर. उस टाइम की मीडिया ने इसको कवरेज दिया पूरी मीडिया ने, कि एक क्योंकि हम एक परिंदे आते हैं जिसे सिंधी में पूंज कहते हैं ना, तो वो बाहर हैं, उन्होंने उसको किया कि अब वो वापस जो आए थे अब वो वापस जाने के लिए अपने ओरिजिन पे वापस जा रहे हैं. लेकिन चूंकि आपके जो बहनोई से सॉरी बात कर रही है, एक साहब ने मुझे एक जमाने का सुनाया था कि कराची यूनिवर्सिटी से उनके दोस्त किसी शादी में मातली गए थे और वहां उनको एक लड़की नजर आई जो उनकी बिल्कुल वालदा की शक्ल की थी और फिर उन्होंने रिश्ता दिया अपना. तो ये क्या ये वही रिश्ता हुआ था या कोई और केस है ये? नहीं, मुझे आइडिया नहीं कि ये उसकी बात कर रहे हैं या किसी और की, आई डोंट नो. क्योंकि बेसिकली दो बहनों की शादी हुई थी. एक पहले मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी एक घानन से, दैट वाज द लव मैरिज. क्योंकि मेरी सिस्टर एल्डर सिस्टर जो है वो जॉब करती थी, ब्लू लाइन तब चलती थी कराची में, ब्लू हुआ करती थी. वो मेरी जो एल्डर सिस्टर वह यहाँ जॉब करती थी और उनकी इब्राहिम घानन जो है उनसे मुलाकात हुई, देन उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद मतलब उनकी शादी हुई. लेकिन सेकंड मैरिज दैट वाज महमूद की पोंजा वाज टोटली प्लान बाय माय फादर. वो 100 मेरे फादर की तरफ से प्लान एक शादी थी क्योंकि वो उनका अपना इस तरह का इंटरेस्ट था. हाँ, हमें हम कनेक्ट यकीनन इस वजह से हुए थे क्योंकि हमारी एल्डर सिस्टर की शादी हो गई थी, तो फिर हमें हम सारी फैमिली कनेक्ट हो गई थी. और जब ये दोनों शादियों में यहाँ से ऑलमोस्ट अफ्रीकन्स की गाड़ियां भर के वहां बदीन में आए थे ये लोग. मूवी इज है उसमें मतलब वो लोग इस तरह मिक्स हो गए थे डांसिंग में और उन्होंने जब मीडिया को या उस टाइम जो पेपर था न्यूज़पेपर में इस तरह से बताया, हर कोई कह रहा था कि मुझे यहाँ ऐसे लगा मुझे अपना भाई मिला है, मुझे अपनी सिस्टर मिली है, क्योंकि फीचर वाइज तो हम सब लोग एक जैसे हैं ना. तो उन्हें लगा कि हम लोग ऐसे लगा कि हम वापस अफ्रीका में आ गए हैं और हमें बिल्कुल उन्होंने बहुत ज्यादा दोनों शादियों में इंजॉय किया था. तो आई डोंट नो कि जो आपके पास जिन्होंने बात की है वो उन्होंने किस तरह से किया है या किस तरह से उन्होंने उसको लिया है.
लेकिन ये जरूर है कि उस शादी में बहुत से मतलब अफ्रीकन और इन दोनों शादियों में अफ्रीकन और पाकिस्तानी शीदी बिल्कुल मिक्स हो गए थे और अभी तक काफी वो लोग अभी तक हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपका जो जिस तरह आपने बताया कि चार जनरेशन से आगे नहीं मिलता, लेकिन ये कंफर्म है आपको कि तंजानिया से ही आए थे और तंजानिया के जिस इलाके से आए थे वो शायद आपके इल्म में ना हो। जंजबार से बाबा का क्लेम था कि हम जंजबार से हैं। जी जी, तो वैसे ये है कि और उसके बाद मेरी भांजी अभी वो विजिट कर चुकी है जंजबार को कम्प्लीटली, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड की नेशनलिटी होल्डर है और मतलब उनकी फैमिली अब वहीं सेटल है। वो आज से कोई 4-5 साल पहले वहाँ वो सिर्फ इसीलिए वो विजिट कर चुकी हैं, वहाँ जा चुकी हैं और पूरा उन्होंने जो देखा है, शी सेड के वो एक तकलीफ दे जगह है जहाँ शायद इंसान अपने जानवरों को भी बांधना पसंद ना करे। अगर आप ये फील करें कि यहाँ कभी आपके अपने थे तो वो बहुत पैनिक टाइम होता है ये फील करना कि इसी जगह पे आपके अपने कभी रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, अब आपने जब MPA आप बन गई हैं और ज़ाहिर शीदी कम्युनिटी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए आप काम भी कर रही हैं, तो अब कोई इस तरह का डेटा है कि इस वक्त सिंध में और यानी सिंध से बाहर भी बलूचिस्तान में कितनी टोटल पॉपुलेशन होगी और वो लोग जो है वो किन किन इलाकों से आए हैं और इस वक्त इनमें से ऐसे कितने होंगे आपकी जैसी फैमिलीज जो कनेक्टेड हो चुकी हैं किसी ना किसी तरह, या उनका सोशल मीडिया का दौर है, लोग मालूम करते हैं नेट के ऊपर जो है वो रابطे हो जाते हैं लोगों के आसानी से, तो क्या आपके खानदान के अलावा भी ऐसी फैमिलीज हैं? ये दूसरा सवाल है। पहला ये है कि एक्चुअली कितने कितने यानी तरह के शीदी आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि मंगोपीर वाले जो है हमारे कराची में वो तंजानिया के नहीं है, वो जो वेस्ट अफ्रीका के में जब पोर्चुगीज कॉलोनीज बनी है तो उनकी जो वो यानी मगरमच्छों का वाला जो सिस्टम है वो है, तो वो आप अंगोला में खासतौर पे जो या वेस्ट अफ्रीका के अंदर जो है वो एक मगरमच्छ की एक समझेंगे एक रूहानी उसको समझा जाता है, उसकी जो है वो कुछ वहां के कल्ट्स हैं, तो उनके बारे में मैंने जो पढ़ा है अभी तक वो ये है कि ये वेस्ट अफ्रीकन स्लेव्स थे जो पोर्चुगीज यहाँ लेके आए उन्होंने। और कराची जो है इटसेल्फ, मुझे एक उज़्बेक एम्बेसडर ने ये बात बताई, वो मेरे साथ कराची आए थे आइडियाज अटेंड करने के लिए, जो एक्सपो होता है असलहे की नुमाइश होती है कराची में, तो बातों बातों में जो है वो आपने कहा कराची तो मुझे टर्किश वर्ड लगता है, उज़्बेक जो है ये भी तुर्किश जबान बोलते हैं ना, और ये उस जमाने में यहाँ पे ये अरगून और तरखान जो है वो हुक्मरान थे जो तुर्क थे, सारे तुर्क मंगोल थे, और मुगल भी जब आए हैं शुरू में, ये मुगलों से पहले की बात है, आपने ये मकली का कब्रिस्तान देखा होगा, तो ये सारा ये अरगून और तरखान खबरें हैं यहाँ पे, और ये मंगोलो तुर्क डायनेस्टी थी। बलोचिस्तान में भी जो है वो हलाकू खान की हुकूमत जो थी वो वहां तक रही है, तो इनकी जो जबान थी इसमें कराची का मतलब है काला बच्चा, और ये कराची जो है ये मशहूर था कि पोर्चुगीज यहाँ पे टीनेज गुलाम जो है ये लाके बेचते हैं अफ्रीका से अपने, और बॉम्बे भी उनकी कॉलोनी थी, कच्छ के अंदर ताजिर थे कुछ, इस तरह ये ओमानी और बलोच मिलके जो है ये गुलामों की तिजारत करते थे और पोर्चुगीज जो है ना इनके ऊपर पैसे बहुत इन्वेस्ट करते थे, बाहर से आते थे, तो ये साउथ इंडिया भी जो है ये हमारे यानी ओमान के जो दोस्त हैं वो उनको लेकर गए, और गोवा जो है कॉलोनाइज किया, कर्नाटका के अंदर ये सारे जितने कॉलोनाइजर आए हैं ये ओमानी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पूरे बहरे हिंद के अंदर जो तिजारत थी समंदरी उसमें ये इन्वॉल्व थे, और फिर गवादर भी इनका 170 साल हिस्सा रहा, जंजीबार में इन्होंने अपना दारुल हुकूमत बना लिया था, और अफ्रीका जो उन्होंने ये पूरा ईस्ट अफ्रीका ईस्ट कोस्ट जो फतह किया है, तो पूरा लश्कर जो है वो यहीं से, वो बलोच सिंधी और पठान फौजी थे उनके जो यहाँ से वो भर के ले गए थे गवादर और कराची के रास्ते से। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, कम अज कम मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल नया है कि कराची का मतलब है काला बच्चा और ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है। काला का मतलब तो काला ही है, चे जो है ची या चोए जो है ना वो कहते हैं लड़के को या बेटे को या उसको जो है ना, तो ये इस पे भी मैं आर्टिकल आपको मैं भेजूंगा कि इसमें ये टीनेज अफ्रीका से लेके आते थे स्लेव्स वो कराची में भेजते थे, आप देखे ना ये किमाड़ी के बिल्कुल साथ लियारी में इतनी आबादी क्यों हो गई, तो कोई तो वजह होगी इसकी कि ये
बिल्कुल तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंकशाफ मुझे अभी हुआ है ये। नहीं बहुत मेरे लिए तो बिल्कुल नया है। अच्छा आपने पूछा कि अभी तक कितने कम्युनिटी शीदी कम्युनिटी कितने लोग आते हैं में पाकिस्तान में जो आपने अपना एक फिगर आपका किया होगा सबसे एक आपकी एक यानी एक लीडर की हैसियत से एक शख्सियत जो है वो उभर भी रही है आप लोगों से मिलती मिलाती भी हैं लड़कियां बहुत इंप्रेस है आपसे इंस्पायर होती हैं तो चाहे वो कराची की लियारी की हो या सिंध की हो या जो भी हो तो यानी एक सिंबल आप बन गई है तो जो आपके रबते हैं उसमें आपको कितना अंदाजा हो रहा है कि कितने मुख्तलिफ जगहों के ये लोग हैं और आपस में कैसे ये फिर यहाँ पे कुछ कराची में कुछ सिंध में कुछ बलूचिस्तान में जी एक्चुअली नंबर हमारे पास नहीं है पूरा मतलब एक जो ऑथेंटिक नंबर कहा जाए ये जो डिफरेंट शीदी कम्युनिटीज की जो उन्होंने पॉकेट्स बनाए हुए हैं या उन्होंने अपनी तरह से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं उन्होंने सबने ये कोशिश जरूर की क्योंकि अभी तक मेरे कोई 12-13 जो ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई है उन सब ने अपने तय ये कोशिश जरूर की कि मालूम कर सके कि नंबर कितना है लेकिन कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो सका। अब हमारा ये था कि अब जैसे जो अब नेक्स्ट होगी आदमशुमारी होगी उसमें हम ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को दें अपने एंड से क्योंकि अब मैं एक ऑफिस होल्डर हूँ तो अपनी ये मैं रिक्वेस्ट दूं कि अब चूंकि सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है आजकल तो क्यों ना एक कॉलम इसके लिए भी रख दिया जाए और उसमें क्योंकि इसके पहले जो की गई थी सेंसस उसमें शीदी या कमरानी किस्म की कोई भी स्पेस नहीं रखी थी शायद इसलिए भी कि बहुत से लोग ये खुद को कहलवाना पसंद भी नहीं करते काफी हद तक अगर 70+ में कहूँ तो वो खुद को शीदी कहलवाना पसंद नहीं करते क्योंकि शीदी के साथ फिर एक और स्टोरी जुड़ जाती है कि ये वो बंदा है जो जिसके फीचर्स इस तरह के हैं और उसका बैकग्राउंड जो है वो सेलिब्रिटी है इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से इसको दूर रखें। लेकिन अब हमें चाहे वो मुख्तलिफ चॉइस को लेकर चलना पड़े जिसमें हमें शीदी कमरानी बुलाली ये सारा कुछ करके कोई एक कॉलम जिसके लिए मैं ऑफिशियली प्रिपरेशन कर रही हूँ कि अभी कैबिनेट से इन्होंने मंजूर कर लिया है कि ये फ्यूचर में जा रहे हैं सेटल्स करवाने तो उसमें मैं मतलब ये पार्ट अपने क्योंकि अब ये टाइम है जहाँ मैं बाकायदा तौर पे इंटर हो सकती हूँ और अपनी तरफ से अपने इन्फ्लुएंस पे ये कॉलम ऐड करवा कर एक ऑथेंटिक फिगर ले सकती हूँ कि इस कम्युनिटी का मतलब कितने लोग मौजूद हैं क्योंकि आप खुद जानते हैं कि किसी भी कम्युनिटी के लिए या किसी मुल्क के लिए या किसी शहर के लिए प्लानिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास ऑथेंटिक फिगर होना चाहिए वैसे कि आपके पास कितना मतलब आपके कितने लोगों के लिए वो काम करना चाह रहे हैं किससे उनकी प्लानिंग होगी उसके लिए पहले उनका नंबर होना बहुत जरूरी है। सो ये तो मैं करने जा रही हूँ। बाकी जो सेकेंड आपका क्वेश्चन था कि कितने लोग कनेक्ट हुए हैं इससे पहले इस पॉलिटिक्स में आने से पहले मुझे लगता था कि हम लोग कराची में हैं We are only on the seashore के हम कराची में हैं ठट्टा में हैं सजावल में हैं बदीन में हैं that's all but अब मतलब मुझे पता चला जैसे लोग कनेक्ट होना शुरू हुए कि हम उमरकोट तक हैं हैदराबाद में बहुत बड़ा नंबर है इसको अगर कलेक्ट करें डिवीजन वाइज तो हमारा बहुत बड़ा नंबर कराची डिवीजन में है हैदराबाद डिवीजन में है मीरपुर खास डिवीजन में है ये तीन डिविजन्स के बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट हुए मेरे साथ। बाकी जो जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं वहां फिर कमरानी कास्ट मौजूद जरूर है अपर सिंध जिसे हम कहते हैं जैकबाबाद हो गया आपका सखर हो गया लेकिन दे आर नॉट लुक्स लाइक अ शीदी वो मतलब शीदी लगते नहीं हो बिंग कमरानी मुझसे कनेक्ट जरूर हुए उनके लिए मेरा ये समझना था कि या तो वो शीदी नहीं है मेरा अपना मानना यह कि या तो वो शीदी नहीं है अगर वो शीदी हैं तो वो शायद उस प्रोसेस से जहाँ जिससे ये बदीन और हैदराबाद डिवीजन का और मीरपुर खास डिवीजन का शीदी गुजर रहा है इससे वो 50 साल पहले गुजर चुके हैं क्योंकि बदीन और मीरपुर खास का और कराची का शीदी अब अपने लिए शीदी बीवी नहीं चाहता अब उसे बीवी चाहिए जो कि गोरे कलर की हो जिसके बाल लंबे हों जिसके फीचर्स अच्छे हों अगर वो दो मारा है व्हाइट कलर जॉब रखता है तो उसे उस तरह का मतलब अगर दो उसके घर में अच्छी रोटी बन रही है तो अब उसे शीदी लड़की नहीं चाहिए और ये ट्रेंड मतलब जिस तरह से उनके बाद उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जो मिक्स ब्लडेड बच्चे पैदा हो रहे हैं अब शायद 50 साल अगर ये कुछ कंटिन्यू रहा
तो 50 साल के बाद मीरपुर खास और हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन का शीदी भी सखर डिवीजन के शीदी के जैसा हो जाएगा, क्योंकि फिर ये आस्ते आस्ते खत्म होने जा रही है, ये जो नस्ल है ये इस नफरत की वजह से खत्म होने जा रही है। इसी का एक और ड्रॉबैक जो निकल रहा है कि शीदी औरतें, शीदी बच्चियां कमारी बैठ रही हैं और वो एक सिंबल बन गई हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और मतलब एब्यूज वर्ड का, क्योंकि आई एम वेरी मच ओपन के हर चीज की एक नीड होती है। जब आपको पता चल जाए कि आपका कजन जो कि आपके साथ घर में रहता जरूर है, अब वो पढ़ लिख जाने के बाद अब वो जाके कोई गोरी चिट्ठी या मतलब हमारे लिए वो गोरी चिट्ठी होती है, सो कॉल यूरोप के लिए वो ब्लैक ही होती है, वो लेकर आएगा जिसने कुछ भी पढ़ा नहीं होगा, जिसकी क्वालिफिकेशन ये होगी कि वो दिखने में बड़ी अच्छी दिखती है, वो लेकर आएगा। और इस और बच्ची ने जिसने 20 साल तक घर में खुद को ये संभाल के चल रही थी कि शायद उसके 20-25 साल के बाद वो जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, कुछ उसको छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी या वो किसी काबिल हो जाएगी, तो अपने इस कजन के साथ जो कि उसके साथ स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए निकल रहा है उसके साथ अपनी लाइफ एक्सपेंड करेगी, अपने मोहल्ले के या किसी मतलब अपनी कम्युनिटी के वाइट कलर बंदे के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब उसको ये होप खत्म हो जाएगी तो यकीनी बात है कि आप बीइंग ए ह्यूमन, उसने जरूरी नहीं कि उसमें से जो 100% लोग छोड़ी हैं बच्चियां, वो सभी लोग सभी बच्चियां अपने मतलब मौजूदा टाइम से मौजूदा अपने किस्मत का हाल समझ के बैठ गई। हर तरह की नेचर होती है, यकीनन उसमें से कुछ बच्चियां हाइपर होंगी, कुछ बच्चियां समाज और हमारे दीन की लकीरों को फलांग के निकल जाएंगी। हर जगह पे जब हम कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, तो ये कैसे हो सकता है कि जब आप सब बच्चियों को इस तरह से ह्यूमिलिएट करें और फिर ये नतीजा रखें कि वो सब लोग लड़कियां कोनों खुदरों में आराम से बैठ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कि वो लोग या तो वो शीदी है नहीं, अगर हैं तो वो 50 साल पहले इस पूरे टेन्योर से गुजर चुके हैं। जी मेरा ख्याल है, एक तो एक बलूचिस्तान में कमरानी अलग कास्ट भी है, एक हमारे दोस्त है मौला बख्श कमरानी बुजदार के करीब, उनका गांव था, तो उनकी तो बिल्कुल बड़ा पिंक कम्प्लेक्शन और ब्लू आईज थी, तो मैं यही कहता था कि कुछ सिंध के तो कमरानी है, हमारे दोस्त जो है वो ऐसे हैं, तो वो कहते नहीं ये हमारी अलग वो है कास्ट। लेकिन जंजीबार में भी यही हुआ है कि वो इतनी ज्यादा वहां पे ये पोर्चुगीज भी आए, फिर ब्रिटिश आए, ओमानी आए, और शादियां आपस में इतनी ज्यादा और इतनी मतलब, और बेल्जियंस भी आए वहां पे, उनके साथ भी जो है यहाँ के जो बलोच वहां गए ओमानी दौर पर, फिर वो बेल्जियन फोर्सेस में भी काम किया, उन्होंने जर्मन के साथ भी काम किया है, और इंडियन बहुत जा रहे हैं वहां पे सदियों से, तो वहां पे भी एक जो है ना वो अलग किस्म की ब्रीड जो है वो बन गई है, और बड़े खूबसूरत लोग हैं, यानी वो ब्लैक भी हैं लेकिन फीचर जो है उनके जरा डिफरेंट है, और वो बहुत यानी डिफरेंट तरह से आपने देखा होगा जंजीबार जाके भी। अभी तक तो यहाँ पे डिफरेंट जा रहे हैं, अभी तक थोड़ा सा मिक्सचर है, बड़े प्यारे बच्चे लगते हैं, मतलब उनका कलर बाल कर्ल ये मतलब बड़े प्यारे बच्चे होने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से ये चेंज हो रहा है, मेरे ब्रदर इन लॉ कहते हैं तो मिस्टर महमून जो कि मैंने बताया तंजानियन, वो आए थे और उन्होंने कहा कि आप लोग तो अपना यहाँ पे नस्ल तबाह कर रहे हैं, कि आप जिस तरह से सब लोग, क्योंकि इवन मेरे अपनी जो सिस्टर इन लॉज है, मेरे ब्रदर्स की जो मिसेज हैं, वो सारे मतलब ठीक ठाक दिखती हैं और अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करती हैं। तो ही सेड के आप लोग तो अपनी जनरेशन को खराब करने जा रहे हैं। जी अच्छा ये बताइएगा कि मैंने एक जगह पढ़ा के कर्नाटका जो एक साउथ इंडिया का इलाका है, यानी महाराष्ट्र और गोवा से, आप बॉम्बे से और गोवा के दरमियान, वहां पे भी शीदी काफी बड़ी तादाद में रहे हैं और इसी वजह से आए हैं कि ये पोर्चुगीज और फिर ये अरब तजारत के अंदर जो है वो जो स्लेव ट्रेड रहा है शामिल, और बाद में उनकी तादाद इतनी बढ़ गई थी कि वो वहां पे यानी हुक्मरानी भी उन्होंने की है काफी अरसा, 100 साल से ज्यादा जो है वो शीदी हुक्मरान रहे हैं कर्नाटका के मुस्लिम स्टेट्स के। तो वहां के जो मुसलमान शीदी थे, हिंदू भी हैं वहां महाराष्ट्र में, कर्नाटका वगैरह में, बॉम्बे में, तो या क्रिश्चियन भी हो गए हैं, गोवा वगैरह की तरफ आप चले जाएं, लेकिन जो मुसलमान हैं तो उन्होंने हिजरत की है 47 के बाद पाकिस्तान आए हैं, तो वो अगर आपके इल्म में कोई ऐसी बात आई हो तो वो किन इलाकों में हैं जो यानी ओरिजिनली यहाँ के नहीं है, सिंधी नहीं बोलते, बलोची नहीं बोलते, और कर्नाटका से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं पाकिस्तान बनने के बाद? मेरे इल्म में ऐसे कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा
अभी तक जो है वो दुकानें आपकी जो है वो यानी बलोची और सिंधी में ही मेरे ख्याल है मदर लैंग्वेज बिल्कुल मतलब हुई हाँ है। बिल्कुल बलोची और सिंधी अभी तक, इसके अलावा मैंने कोई भी मतलब थर्ड लैंग्वेज नहीं देखी कोई इस उनके तरह जो। से गुजरी है तहकीक के, जैसे होता है कि उर्दू के अंदर फारसी जबानों का, फारसी अल्फाज का इस्तेमाल या तुर्की जबान का इस्तेमाल, सिंधी में तुर्की का इस्तेमाल, तो जो सवाहिली है उसका इस्तेमाल जो है वो सिंधी में, या आपकी अपनी कम्युनिटी जो सिंधी बोलती है या बलोची बोलती है तो उसमें सवाहिली अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो, उसके ऊपर कोई आपने पब्लिश काम देखा हो जिससे मैं कुछ फायदा उठा सकूं? नहीं कुछ मतलब जो मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ बड़े बूढ़ों से कभी समाकी सुन लिया, बाद में मतलब कहती थी औरतें समाकी के लिए, टनुबाओ की औरतें वहाँ फिश बहुत ज्यादा खाई जाती है, लेकिन वो ये बाद में पता चला कि अच्छा ये समाकी मीन्स के फिश को कहा जाता है स्वाहिली में, जी हमें मतलब ये आइडिया नहीं था। जैसे मैंने मेरी सिस्टर की बताया कि वहाँ तंजानिया में लोग लेडीज वक्त की तरह बांधती हैं स्कार्फ को, ये आमतौर पे अपनी रूटीन लाइफ में हमने देखा कि हम बहुत कंफर्टेबल होते थे चनुबागो वगैरह की जो औरतें थी वो तो अभी तक ये सेम यूज करती हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं इस तरह से स्कार्फ लेने से, जो ट्रेडिशनल तरीका है अफ्रीकन का उस तरह से मतलब यूज करने में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें हमारी सिस्टर ने बताया कि अच्छा ये चीजें जो हम यहाँ पे बगैर सोचे समझे किए जा रहे हैं एक्चुअली ये वहाँ का मतलब है ट्रेडिशन, ये तंजानियन ट्रेडिशन है, अफ्रीकन ट्रेडिशन है जो कि हम मतलब और कोई नहीं कर रहा, हम ही किए जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में एशिया में कोई भी इस तरह से दुपट्टा नहीं यूज करता कि सिर्फ सर पे मर्दों की तरह ओढ़ के, यहाँ पग की एक और ही अहमियत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ घरों में औरतें जो अपने घर में जब हो अच्छा ये वो कभी भी बाहर नहीं करती इस तरह का, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ मतलब हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरह से अगर हम दुपट्टा पहन लें तो ये वो चीज कुछ चीजें होती ट्रांसफर होती रही जनरेशन टू जनरेशन, हमें खुद आइडिया ही हुआ कि क्यों ये हम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया, मुझे इस पे एक बात याद आ गई, हमारे एक जानने वाले थे कराची में ही और वहां पे एक शिया खोजा कम्युनिटी है और उसमें एक बड़ी ब्रांच जो है उनकी वो अफ्रीका वाले कहलाते हैं, अफ्रीकी शिया खोजे जो है और वहाँ उनके कम्युनिटी सेंटर भी है, तो उनमें से एक फैमिली थी जो मोगादिशो वाले कहलाते थे और लियारी में उनका बिजनेस था, अब उनका इंतकाल हो गया। तो ये जो तंजानिया में, कीनिया में, सोमालिया में जो खवातीन ये पहनती हैं जुब्बे और ये इस तरह की जो हैट्स वगैरह, वो सारा सिल्क लियारी से जाता था वहां पे और उसको कराची में सारा होते थे, वहां उनकी कोई मार्केट लोकल नहीं थी इस तरह की, लेकिन ये है कि वो यहाँ से सारा बनवा के वो भेजा करते थे और बहुत बिजनेस चलता था उनका, फिर वो शायद उनका इंतकाल हो गया तो वो रास्ते में नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं और लियारी से उनका अभी भी यानी अफ्रीका से जो ट्रेड है या ओमान से या ईरान से, तो वहाँ की जो खजूर मार्केट है आपने शायद देखी होगी या जो उनके बाजार है उसमें मुंबासा स्ट्रीट के नाम से भी आपको जो है वो मिलेगी और उस तरह की, तो वो बहुत ही यानी वहाँ पे टच जो है अफ्रीका का भी आता है, अफ्रीका से वहाँ मुख्तलिफ प्रोडक्ट भी आके बिक रही होती है और यहाँ से भी जो है वो माल बन के अफ्रीका जा रहा होता है, और ये मेनली यही जो गुजराती कच्छी ताजर हैं ये इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और मेमन भी काफी वहां पर हैं, तो वहाँ अफ्रीका में भी आप देखिएगा कि दारुसलाम में, तंजानिया और कीनिया में और मुख्तलिफ और साउथ अफ्रीका में खासतौर पर जो मेमन कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा कारोबार में वहां भी इन्वॉल्व है और यहाँ कराची में उनका मेन सेंटर है, इस तरह बॉम्बे में, गुजरात में, तो ये लिंकेजेस जो है कहीं ना कहीं अभी इनफॉर्मली कायम है और यानी जो पाकिस्तान को सारे वो वीजा का इशू रहता है इंडिया के साथ और इतनी आपस में तजारत नहीं है, लेकिन इंडिया की अफ्रीका के साथ और कराची वालों की अफ्रीका के साथ, और फिर ऐसी भी शादियां होनी है कि
जो इंडियन नेशनल कोई लड़का है और पाकिस्तानी नेशनल लड़की है, वो साथ ना इंडिया में रह सकते हैं ना पाकिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन वो अफ्रीका में जो है वो उनको सेटल कर दिया है उन्होंने, खासतौर पर साउथ अफ्रीका या तंजानिया में दारुसलाम वगैरह में, और ये खोजों के अंदर भी इसी तरह की शादियां हो रही हैं। तो ये जो यानी इंडियन ओशन के गिर्द जो पूरा एक साहेली नेटवर्क बना हुआ है ना, इसमें आपकी कम्युनिटी भी और ये बाकी कम्युनिटीज का इनमें आपस में एक ताल्लुक जो है और कनेक्टेड हिस्ट्रीज हैं, तारीख जो है ना वो आपस में वो इंटरट्वाइंड हम कहते हैं कि वो आपस में जो है ना वो रची बसी है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो इस पे मेरा काम चल रहा है इस वक्त, और जैसे जैसे मैं इस पे लिखता जाऊंगा मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करूंगा और मजीद जो है वो आपको जहमत दूंगा। इंशाल्लाह मार्क्सी में आ चुका हूँ, बहुत पुरानी बात है, गालिबन 89-90 में एक दफा मैं आया था और वहाँ जो है वो हमारे कुछ अजीज हैं, हमारी शादी थी कायम खानी बरादरी, वहां पर आप शायद वाकिफ होंगी, बंगाल से हमारा एक रिश्ता हुआ था। तो दोबारा भी जो है वो अगर आप इजाजत देंगी तो मैं जरूर आपको जो है वो इस हवाले से करूंगा, और आपको भी जो है वो जब भी इस्लामाबाद आना हो तो आप समझ लीजिए कि आईपीएस में जो है वो आप आए, और आपके साथ जो हमारे रिसर्च टीम के लोग हैं बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे साथी काम कर रहे होते हैं वो भी मिलना जरूर चाहेंगे। एंथ्रोपोलॉजी में जो काम हमारे ये दोस्त कर रहे हैं सूफी गुलाम हुसैन, उनसे आपका रब्ता हुआ है, उन्होंने काफी जो है यहाँ पे दलित दोस्तों को भी बुलाया है। सुरेंद्र बालासाही भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमने साथ काम भी किया है 90s से, और उनके साथ बैठ के हम जब से प्लान किया करते थे कि दलित जो है ना वो कैसे ऑर्गेनाइज होंगे और आपस में इनका जो है वो किया जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सहाफत से सियासत में आ गए और अब माशाल्लाह वो बहुत काम कर रहे हैं, उनसे भी रब्ता रहता है मेरा अक्सर। तो आपकी पार्टी की हमारे लिए एक और मुसीबत है ना, हमारे लिए एक और मुसीबत यह है कि मतलब आप दलित और जो नॉन मुस्लिम हैं उनको एज अ मिनोरिटी आप बहुत कुछ दे सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके लिए स्पेस रखी गई है, हमारे 18th अमेंडमेंट के बाद हर प्रोविंस में ऑलमोस्ट पंजाब में सिंध में मिनिस्ट्रीज तक मौजूद हैं, डिपार्टमेंट तक मौजूद है मिनोरिटी अफेयर के, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो मिनोरिटी और मेजॉरिटी एज पर रिलीजन तय होती है, ठीक है ना, हमारे जो मुस्लिम हैं वो मेजॉरिटी हम काउंट करते हैं, जो हमारे भाई जो क्रिश्चियन हैं या नॉन मुस्लिम जो भी हैं उनको हम मिनोरिटी काउंट करते हैं, बट वी पीपल बिलोंग्स टू द मुस्लिम, पर हमारे लिए मतलब हमें मुस्लिम अपना साथ रखना नहीं चाहते और हम तो मिनोरिटी के जो भी बेनिफिट्स हैं उनको हम ले नहीं सकते। नहीं इंशाल्लाह तो ये आयता सूरत हाल बदल रही है मेरा ख्याल है, और अरे वो मुसलमानों में वो है भी नहीं, अब सुरेंद्र के मैं घर गया हुआ हूँ उनके साथ खाना खाया है सब चीजें हैं, लेकिन जो वहाँ के मुसलमान है वो उनके साथ नहीं करते कोई इंटरेक्शन, तो हमें तो कोई वो नहीं होता कभी भी जो है ना। तो इनके वालिद जो है वो भी हालांकि मदरसे के पढ़े हुए थे हिंदू होते हुए जो है वो, और बड़ा उन्होंने जो है वो मुझे बैठ के कुरान हदीस सुनाया और उन्होंने बहुत मुतासर हुआ उनसे। तो लेकिन ये कि वो ये जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी। दूसरा इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है यहाँ पे जो है ना वो लाहौर से आगे कुछ नजर नहीं आता, और सिंध की जो नुमाइंदगी जिन लोगों के हाथ में है या बलूचिस्तान की नुमाइंदगी जिन लोगों के हाथ में है तो पूरे सूबे को जो है वो उन्हीं की शक्ल से देखते हैं कि अच्छा है सिंधी होगा तो ऐसा होगा, और उन्होंने जरा यहाँ पे जिस तरह अपना लाइफ स्टाइल रखा हुआ है इस्लामाबाद में, तो वो वहाँ जो गुर्बत है जो थरपारकर है या बदीन है या ठट्टा है, लोअर सिंध तो बहुत ही कम रिप्रेजेंट होता है यहाँ इस्लामाबाद में जो है, और लोअर सिंध की भी जो यानी जो पसमानदा तबकात है वो हमारे किसी पॉलिसी डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनते। तो हम ये थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि आईपीएस के जरिए कि हम ये कास्ट एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे और जो खासतौर पे जो पसमानदा तबकात हैं हमारे चाहे वो मुसलमान हो चाहे मुस्लिम हो उनकी आवाज को जो है वो यहाँ पॉलिसी सर्कल्स में जो है ना वो रिसर्च और डायलॉग के जरिए सुनवाएं। तो हमारा एक ग्रुप है पूरा, उसमें सारे दोस्त हमारे और यूनिवर्सिटीज के भी कुछ असातिज़ा हैं वो काम कर रहे होते हैं, कुछ बाहर भी रबते हैं जो इंटरेस्टेड है बाहर के स्कॉलर्स इस तरह के मौजूदात पे काम करने के लिए, उनको भी हम
फैसिलिटेट करते हैं डेटा के साथ, या आप जैसे अहम लोगों के साथ जो है वो उनके इंटरव्यूज वगैरह करवा के जो है वो चाहते हैं कि वो सही पिक्चर जो है वो उनके पास आए, बजाय इसके कि ये जो एनजीओ माफिया ने भी बहुत काम खराब किया है वो तो आप जानती हैं कि तो पाकिस्तान का सही इमेज आए और जो लोगों के मसले हैं वो हल भी हों। तो ये बस एक मुख्तसर सा, मैं तो चाहूंगी जी जी बस आप लोगों से मुझे ये हेल्प चाहिए होगी कि क्योंकि आप जानते हैं मैं सिंध गवर्नमेंट का पार्ट हूँ और आजकल सिंध गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा लव स्टोरी है। सो इसलिए लगता है कि सिर्फ इस लव स्टोरी की बुनियाद पे मेरी ये रिक्वेस्ट जो है वो आगे ना की जाए। तो आप लोगों से बीइंग अ डिपार्टमेंट मुझे यही हेल्प चाहिए होगी कि आप उनको कन्वेंस करें कि शीदी कम्युनिटी के लिए या ब्लैक कम्युनिटी के लिए एक अपना कॉलम इस सर्विस में जरूर रखें, क्योंकि ये जो कुछ हम काम करने जा रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए नहीं कर रहे, ये फ्यूचर के लिए करने जा रहे हैं। तो अगर आप फिर से ये एक मौका एक टाइम आ रहा है इसमें अगर फिर से ये कम्युनिटी इग्नोर हो गई तो ये लॉस जो है ये फिर हम कवर नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैं -5 में से अब -1 की तरफ बढ़ना शुरू हो रही हूँ, पता नहीं हम जीरो पे कब आएंगे, क्योंकि जब तक चीजें जीरो पे आएंगी तब तक ही आसान हो सकेंगी। हम अभी तक माइनस में ही हैं, हमें मतलब देखा नहीं जा रहा, हम पे बात नहीं की जा रही, हमें गिना नहीं जा रहा, हम बिल्कुल हर चीज जो सिस्टम की है वो उसी टेम्परेचर की तरह जाती है कि -5 से जीरो तक का डिस्टेंस आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो मैटर करता है, वो बहुत डिफिकल्ट है ये ट्रेवल करना। अगर आप आइस को देख लें -5 आइस का टेम्परेचर हो वो जीरो तक भी बर्फ ही दिखेगी आपको, पानी नहीं बनेगा वो, ठीक है, लेकिन उसको इस टाइम तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पड़ती है बल्कि। तो मैं ये चाहूंगी कि आपके एंड से मैं ये आपके फोरम से इस तरह के मसाइल जो हैं वो पहुंचे गवर्नमेंट तक कि ये सिर्फ तंजीला का या पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। एक कम्युनिटी जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है आप उसे अगर फिर से पीछे धकेलोगे जस्ट पॉलिटिक्स की वजह से तो वो शायद फिर से -5 से और पीछे चली जाएगी और फिर हमें जीरो के स्ट्रगल करते करते ही शायद हम बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। जी नहीं, इंशाल्लाह ये आप भी कोशिश जारी रखिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से जितना कुछ लिखा जाएगा पढ़ा जाएगा बोला जाएगा यहाँ पे इख्तदार के आवानों में, मेरा ख्याल है कि उसमें आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और एक सवाल जो है वो मेरा उसमें वो रह गया दरमियान में, तो वो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी कि जिस तरह आपकी फैमिली का रब्ता हुआ है और शादियां हुई हैं तो इस तरह के और कितने शीदी खानदान होंगे जिन्होंने अपने रूट्स को एक्सप्लोर करते हुए कुछ रिश्तेदारियां दोबारा जोड़ी हैं। अभी तक और ऐसी कोई नहीं हो सकी, आपकी आवाज के बाद अभी तक हमारी फैमिली के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सका। उसकी वजह ये रही थी कि मेरी सिस्टर की शादी के बाद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया था और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो भी सराउंडिंग की कम्युनिटी बाकी जो कम्युनिटीज वगैरह थी उन्होंने ये इमेजिन कर लिया कि वो उसे ले गए वहां पे और उसे मार दिया गया वो, और वो जो टेंशन क्रिएट हुई थी वो टाइम में क्योंकि बाबा की डेथ हो गई थी उसके बाद उनसे मतलब ये टाइम होता था कि आप फोन मिलाएं फिर कॉल बुक करवाएं फिर जिस तरह का अब की तरह नहीं था कि कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो उस वजह से वो जो थोड़ा सा फेज आया था दैट वाज वेरी मच हॉरिबल, तो उसके लिए शायद बहुत से लोग पीछे हट गए। अच्छा, ये आपकी दोनों अब वहां पर है, एक घाना वाली जो है वो भी घाना में है या? घाना वालों वाली जो सिस्टर है उनका डिवोर्स हो गया है और वो अब तकरीबन 20 साल से स्विट्जरलैंड में है और वहाँ की नेशनलिटी होल्डर है, वहाँ वो मैरिज कर चुकी है, उनकी शादी वहीं स्विज है, उनसे उनकी शादी हो चुकी है। उनकी घाना के हस्बैंड से उनकी बेटी है ऑलरेडी, वो भी वहाँ सेटल हो चुकी है, उसकी भी वहाँ पे स्विट्जरलैंड में उसकी शादी हो गई है, उसकी भी फैमिली है बच्चा है उसका भी, तो मतलब वो लोग ऑलरेडी वहाँ अब वो स्विट्जरलैंड में आ गए हैं वो सिस्टर। बाकी मेरी तंजानियन सिस्टर जो हैं वो आजकल पाकिस्तान में हैं, वो मतलब इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को अडॉप्ट किया था,
फिर उसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से उन्हें बैक पाकिस्तान आना पड़ा था, कि हमारी एडॉप्शन पॉलिसी और तंजानियन एडॉप्शन पॉलिसी एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी. सो शी केम बैक एंड सेड के थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए तो फिर वो मतलब जाना चाहेंगे. बहुत शुक्रिया. अच्छा, हम जो एक और काम इसका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ कर रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग अफ्रीका प्रोग्राम है एक आईपीएस में. आपने देखा होगा कि कोई एक दो साल से हुकूमत ने जो है वो इंगेज अफ्रीका पॉलिसी का ऐलान किया है और खुद फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है ना वो अफ्रीका बहुत ही एक यानी उसको समझा जाता था कि जिसकी पोस्टिंग हो जाती थी अफ्रीका के किसी मुल्क में तो बड़ा परेशान होता था वो सफीर हमारे पास के जो है ये मैं तो इतना अच्छा कैरियर अफसर था और मुझे क्यों अफ्रीका भेज दिया और वो दिन गिनना होता था कि कब जो है ना उसका वक्त पूरा हो और वो कहीं और जाए. और यानी तंजानिया में इतनी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी कम्युनिटीज की, कम से कम जो है वो कोई 2 लाख से ऊपर तो रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पिछले अदवार में जो है ना वो तंजानिया की बहुत पुरानी एम्बेसी थी पाकिस्तान की दारुसलाम में, जो अंग्रेजों के जमाने से बिल्डिंग इनको मिली थी वो बंद कर दी गई थी, अब उन्होंने दोबारा वो खोली है. तो तवज्जो जो है वो जो एक वहां दोबारा मंजूर हुई है हुकूमत की, तो उसमें हम भी ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में शीदी कम्युनिटी है और खासतौर पर आपकी मिसाल देके कि आप लोगों ने दोबारा वहां पे जो है वो रिश्ते किए हैं और एक पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी जो होती है तो उसमें शीदी कम्युनिटी बहुत रोल प्ले कर सकती है. और ना वो अफ्रीका वो अफ्रीका रहा है, ना शीदी कम्युनिटी वो शीदी कम्युनिटी रही है. कराची में तो यानी इस वक्त मल्टीनेशनल्स के अंदर और मीडिया में डॉन में काफी लोग थे जो काम कर रहे थे सरकारी नौकरियों के अंदर, और लियारी ने अपना एक यानी जो सियासत में भी लोहा मनवाया है. तो अगर आप इस चीज को मेरा ख्याल है मद्देनजर रखें और कुछ हम इस हवाले से काम कर सकें और कुछ अफ्रीकी खासतौर पर जो ईस्ट अफ्रीका के ममालिक हैं जिनका पुराना ताल्लुक है कीनिया और तंजानिया स्पेशली और जहां जहां पुर्तगाल के और ओमान के असरात रहे हैं और उसी की वजह से सिंध और बलूचिस्तान और बॉम्बे और ये सारा एरिया जो है वो कनेक्टेड रहा है और लोगों की मूवमेंट हुई है इलाके से दूसरे इलाके में, तो मेरा ख्याल है अहमियत जो है ना वो कम्युनिटी की भी और आपकी कोशिशों की बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा हुकूमत की नजर में, तो इसमें हम इंशाल्लाह कोई रोल प्ले कर सकते हैं. बिल्कुल, आपका भी जब भी इस्लामाबाद आना हो तो यहाँ पे हम जो तंजानिया के या कीनिया के सफीर हैं या जो लोग काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो उनको बुला के भी जो है हम एक कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है जो अफ्रीका से उनकी रूट्स है ओरिजिन है तो वो लोग भी जो है यहाँ किस तरह रह रहे हैं कर रहे हैं, तो एक यानी वो सॉफ्ट पावर के लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि एक सॉफ्ट कनेक्शन स्टार्ट हो जाए और इंशाल्लाह मेरा इस्लामाबाद आना होगा तो मैं आपसे जरूर रابطہ जरूर. बहुत शुक्रिया आपका, काफी वक्त लिया और दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन बहुत बातें जो है वो होनी बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह फिर दोबारा रابطہ होगा और इंशाल्लाह रहेगा. इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया. थैंक यू.